बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लासेस, आज का लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आप अगेन एक्सरसाइज 3A करेंगे। चैप्टर नेम है आपके पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज 3A में लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है और फॉल्स है। नंबर 1 है आपके पास, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। कह रहे हैं कि हर नेचुरल नंबर अपने ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, आपके पास देखें 12 अपना ही मल्टीपल होगा, 12 अंदर 12। तो आपके पास इसी तरह से 12 के अलावा 1 देख लें, 2 देख लें, ये सब अपना क्या होता है, मल्टीपल होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आप लोगों ने रीड किया होगा, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यूस नंबर चल रहे होते हैं। मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से कंटिन्यूस की सीरीज चल रही होती है। तो ये कह रहे हैं कि हर नेचुरल नंबर अपना ही क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर नेचुरल नंबर अपना ही मल्टीपल होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास, ट्रू। नाउ सेकंड है आपके पास, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। कह रहे हैं 1 जो है वो हर नेचुरल नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। अब 1 हर नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे होता है, देखें 12 अंदर 12 के टेबल में भी बना रहे हैं, 1 अंदर 1, 2 अंदर 2, 3 अंदर 3, 4 अंदर 4, 5 अंदर 5, सबके टेबल में आपके पास 1 आ रहा है। मीन्स 1 क्या है, हर नंबर का, हर नेचुरल नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो गई, ट्रू। नाउ थर्ड पार्ट है आपके पास, मल्टीपल ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल ऑफ 9। कह रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ 12 है, मीन्स आपके पास वो नंबर जो 12 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आती है, या फिर इस तरह से समझ लें वो नंबर जो 12 के टेबल में आते हैं, वो तमाम किसके मल्टीपल हैं आपके पास, 9 के। मीन्स आपके पास वो तमाम वैल्यू किस में आती है, ऑल वैल्यूज़ किस में आती है, 9 में। जबकि ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, अगर मैं 12 को देखूँ तो 12 अंदर 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36। इसी तरह से अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27। तो मीन्स आपके पास जो मल्टीपल ऑफ 12 हैं और मल्टीपल ऑफ 9 है, ये दोनों आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं। जबकि ये क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 12 और मल्टीपल ऑफ 9 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जबकि ये स्टेटमेंट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है और 9 से मल्टीपल जितने भी हैं वो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास, फॉल्स हो गई। लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 4, मल्टीपल ऑफ 8 ऑल मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 4। कह रहे हैं आपके पास जितने भी आपके पास 8 के मल्टीपल्स हैं वो किसके मल्टीपल्स हैं, 2 और 4 के भी। लेट सपोज अगर आपके पास 8 के टेबल में 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, इसी तरह से 8 4 ज़ार 32, जितने भी मल्टीपल्स हैं ये 2 और 4 के ही मल्टीपल्स हैं। 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 8 आ रहे हैं 2 के टेबल में, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, इसी तरह से 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, अभी 8 16 भी आ रहा है। तो मीन्स जो 8 के मल्टीपल्स हैं वो किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के भी मल्टीपल्स हैं। अब 4 पर आइए कि 8 के मल्टीपल्स 4 के भी मल्टीपल्स हैं या नहीं है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16। तो मीन्स आपके पास 8 के मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स हैं जो 2 और 4 के भी मल्टीपल्स हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, ट्रू। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसमें कितने पार्ट हैं, 1st 2nd 3rd एंड 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ। कह रहे हैं 1st 5 मल्टीपल्स लिखें। आपके पास यहाँ पे 3 पार्ट्स होंगे, आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू 17 है, सेकंड पार्ट में आपके पास वैल्यू जो है वो 23 है, और थर्ड पार्ट में आपके पास वैल्यू क्या है, 47 है। मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें पार्ट नंबर 1 है आपके पास 17। वो कह रहे हैं कि 17 के 1st 5 मल्टीपल्स लिखें। मीन्स आपके पास स्टार्ट के 5 मल्टीपल्स बताने हैं 17 के।
अब आप 5 × 7 की किस तरह से बताएंगे? एक तो आपके पास आपको डायरेक्ट 17 का टेबल अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिखते जाएं 17 × 17, 17 × 34, 17 × 51, 17 × 4 = 68 and 17 × 5 = 85. तो ये कितने मल्टीपल्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. मीन्स आपको 17 टू मल्टीप्लाई करवाना है 5 तक. मीन्स 5 पहले 1 से करवाना है, देन 2 से, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5. यहाँ देखें, अगर आपके पास अगर टेबल याद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इसका रफ वर्क करेंगे. मैं यहाँ पे रफ वर्क इसलिए मेंशन करवा रही हूँ ताकि आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 17 को किससे करवा रहे हैं? 1 से करवा रहे हैं. फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने तो मीन्स फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 17 × 1 = 17 एंड 17 × 2 = 2, 7 = 14, 14 × 4 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया. 2 × 1 = 2, 2 + 1 कितने हो गए? 3. तो मींस आपके पास 17 × 2 क्या होता है? 34. यहाँ मैंने 34 लिख दिया. नाउ थर्ड आपके पास वैल्यू क्या होगी? 3. 17 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 3 से. 3 × 7 = 21, 1 यहाँ ट्रांसफ़र और 2 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया. 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया 1 के ऊपर. 3 × 1 = 3, 3 + 2 = 5. तो ये आपके पास 17 × 3 = क्या हो गया? 51 हो गया. यहाँ पर आपने क्या लिखा है? इसका थर्ड मल्टीपल क्या है? 51. नाउ 4 क्या है आपके पास? 17 × 4, 17 × 4 आपके पास, 17 × 4 आपके पास क्या आ रहा है? 68 आ रहा है. 68, 4 × 7 = 28, 8 यहाँ ट्रांसफ़र किया आपने, इसके बाद 2 यहाँ. 4 × 1 = 4 + 2 कितने हो गए? 68 हो गए. तो मींस आपके पास जब आप 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 68. तो मैं यहाँ पे इसका 4 मल्टीपल क्या लिख रही हूँ? 17 का 68. नाउ लास्ट इसका 5 से करवाना है 17 को. मैं यहाँ मेंशन करवा रही हूँ आपके पास 5 से. देखिए यहाँ पे 17 × 5 = 5, 7 = 35, 5 यहाँ, 3 ऊपर ट्रांसफ़र हो गया. 5 × 5 + 3 कितने हो गए? 8. तो आपके पास 17 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपके पास क्या आ रहे हैं? 85. तो मैं यहाँ पे इसका 5th मल्टीपल क्या लिख रही हूँ आपके पास? 85. यहाँ पर आपके पास 17 के 5 मल्टीपल्स क्या हुए? फर्स्ट जब आप 17 को 1 से करवा रहे हैं तो 17, 2 से करवा रहे हैं तो 34, 3 से करवा रहे हैं 51, 4 से करवा रहे हैं 68 और देन लास्ट इसका क्या है? 5 से करवा रहे हैं तो 85. फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने थे तो ये आपके पास 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल सॉल्व हो गए. यहाँ रफ कॉलम में भी मेंशन किया है. नाउ आपका जो यहाँ पर होमवर्क है, अपना होमवर्क दे, यहाँ आपका होमवर्क है. होमवर्क में आपके पास सॉल्व पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का आप पार्ट 2 खुद से सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज आपके पास 3 है. यहाँ पे देखें, ये पूरा मेंशन कर दिया है मैंने कि सॉल्व पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3A. फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, 17 है, और सेकंड पार्ट आपका क्या है? 23. मींस जिस तरह से आपने 17 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाया है, 5 नंबर तक मल्टीप्लाई कराया, पहले 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से आप 23 को ही मल्टीप्लाई करवाएंगे. आप पहले 23 को 1 से करवाएंगे, फिर देन 2 से करवाएंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, और लास्ट नंबर इसका क्या होगा? 5, क्योंकि फर्स्ट 5 मल्टीपल कह रहे हैं स्टार्ट के, तो 5 तक ही आप करवाएंगे इसे मल्टीप्लाई. यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आप लोगों को होमवर्क लाजमी करना है, ये अपनी अपनी कॉपी में कीजिएगा, ये एज़ अ प्रैक्टिस वर्क है. आप खुद से करेंगे तो ये इजीली ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, तो ये आप लोगों को सेकंड पार्ट लाजमी करना है. आप लोगों की वर्किंग किस तरह से करेंगे? लेक्चर मेंशन करेंगे, लेक्चर नंबर 2, और एक्सरसाइज मेंशन करना है, एक्सरसाइज 3 है. डेट मेंशन करना है आपको. इसके अलावा आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स. ये ब्लैक पेन से राइट करना है, और इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपके पास इसको आप ब्लू पेन से राइट करेंगे, और ट्रू फॉल्स किससे लिखेंगे? आप ब्लैक पेन से. फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप ब्लैक पेन से राइट करेंगे, फर्स्ट पार्ट भी ब्लैक पेन से राइट करेंगे, और इसका जो आंसर है वो किससे आप राइट करेंगे? ब्लू पेन से. और रफ कॉलम का जितना वर्क है ये आप किससे करेंगे? पेंसिल से करेंगे. रफ़ कॉलम लाजमी मेंशन करना है आपको. लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रफ़ कॉलम लिखेंगे, और इसमें जितना भी ये सॉल्व कर रहे हैं आप ये पेंसिल से वर्क करना है. और मैं एक बार दोबारा कह रही हूँ कि इसका होमवर्क लाजमी कीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 3A में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करवाऊँगी. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.